सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कांग्रेस ने मानी हार। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर बोले, ट्रेन खिलाफ इलेक्शन कमीशन पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल में कांग्रेस को सता रहा है ऑपरेशन लोटस का डर, विधायकों को शिफ्ट किया जा सकता है राजस्थान के रिजॉर्ट। मध्य प्रदेश में बिल्डरों और जेडी अफसरों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज, ईओडब्ल्यू ने शुरू की जांच। गुजरात में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत, तोड़ा 20 साल पुराना रिकॉर्ड हाशिए पर कांग्रेस। संसद के शीतकालीन सत्र पर रणनीति को लेकर कांग्रेस सांसदों की बैठक, सोनिया हो सकती हैं शामिल। राज्यसभा में रकांपा, कांग्रेस ने दिए स्थगन प्रस्ताव, राज्यपाल पर महाराष्ट्र के अपमान का आरोप। तमिलनाडु में तबाही मचाने आ रहे चक्रवाती तूफान मेंडुस, भारी बारिश की चेतावनी, 5,000 राहत कैंप तैयार। सीमा विवाद और महाराष्ट्र सरकार ने पवार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ नहीं किया। बिहार के मधुबनी में एसडीओ के दुर्व्यवहार पर तेज हुआ विवाद, थप्पड़ पर विपरे और कृषि सेवा के अधिकारी आमने सामने। पाक रेंजर्स के कब्जे में बीएसएफ जवान, 7 दिन बाद भी वापस नहीं लौटा है, कोहरे के कारण जीरो लाइन नहीं देख पाया था। गुजरात में नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीटें भूपेंद्र ले आए, रुझानों में 157 सीटें जीतने के आसार, 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटें जीती थी। हिमाचल प्रदेश के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बहुमत, बीजेपी 30 सीटों पर आगे, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे। एलओसी पर बदलाव की कोशिश, बर्दाश्त नहीं करेगा भारत, राज्यसभा में विदेश मंत्री ने चीन को दी चेतावनी। बोरवेल में 38 फीट नीचे फंसा बच्चा, मासूम को निकालने के 36 फीट को खोदा गया गड्ढा, 5 फीट और खुदाई करेगी। तेलंगाना भाजपा का आरोप, ड्रग्स लेते हैं केसीआर के बेटे, पार्टी अध्यक्ष की चुनौती, हिम्मत है तो केसीआर को ब्लड टेस्ट कराएं। पूर्व खनन मंत्री पर ईडी का शिकंजा, ईडी ने गायत्री प्रजापति व उनके परिवार की 4.5 करोड़ की संपत्तियों को कब्जे में लिया। कानपुर में मेडिकल कॉलेज में रैगिंग, एमबीबीएस के फ्रेशर सिर झुका कर लाइन में निकले, नमस्ते साहब डॉक्टर साहब कहते हुए हॉस्टल गए। लिपस्टिक लगी फोटो बनी रोलिन के, हत्या की वजह विकास बोला, वो फोटो देख मैं अपना आग पाक खो बैठा, व्हाट्सएप चैट रिकवर करने में लग गए 30 दिन। नोएडा में बढ़ेगी महिलाओं की सुरक्षा, 400 जगहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, स्कूल मॉल व मेट्रो स्टेशन के पास आसपास निगरानी की जाएगी। मेरठ में
बन रहे भारत रत्न लता मंगेशकर बाल पुस्तकालय प्राथमिक विद्यालय में लता जी के शिशु और राज्य पुरस्कार से प्राप्त शिक्षिका की पहल। तोरण पावर की लापरवाही से घर में लगी आग, आगरा में कई घरों में टीवी फ्रिज एसी फूके, केस दर्ज। मुरादाबाद में पति ने गला दबाकर पत्नी को मार डाला, रस्सी से गला घोटा, फिर बोरी में भरकर फेंकी लाश, बोला रोज लड़ाई करती थी। अयोध्या में मलेरिया के मरीज के घटे पर डेंगू के बढ़े, 17 दिन में 667 डेंगू के मरीज मिले, मलेरिया के केवल 92। हाथरस में सगाई के दौरान हर्ष फायरिंग, बंदूक का नाल फटने से 7 लोग घायल, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। अमरोहा में बच्ची की हत्या के आरोपी को उम्र कैद, कोर्ट ने 30,000 का जुर्माना भी लगाया, 4 साल पहले हुई थी वारदात। हापुड़ में निकाय चुनाव का विरोध, हापुड़ में जारी आरक्षण का विरोध, अब तक 100 से अधिक लग चुकी है आपत्तियां। फेसबुक देखकर बना फर्जी फूड इंस्पेक्टर, चाट की दुकान पर निरीक्षण करने पहुंचा तो धरा गया, फर्जी एफएसओ फराटेदार इंग्लिश बोलता है। लिवाना होटल को गिराने की कार्रवाई टल सकती है, होटल प्रबंधन ने एलडीए को पत्र में कहा अंतिम डेट नौक जगह 14 दिसंबर होनी चाहिए। उन्नाव में पुलिस ने 50 बोरी नकली डीएपी खाद पकड़ी, और तरीके से सप्लाई होनी जा रही थी, लखनऊ रोड से एक युवक पे हिरासत में। लखनऊ में स्टंटबाजी करने वाले 3 युवक गिरफ्तार, रंगदारी न मिलने पर हिस्ट्री शीटर अकील ने गुर्गे की थी फायरिंग। रुपए के लेन देन को लेकर हुई थी महिला की हत्या, साथी 2 महिला व 1 युवक गिरफ्तार, 10 दिन पहले गला दबाकर की गई थी हत्या। हापुड़ में स्टील फैक्ट्री पर आयकर का छापा, करोड़ों रुपए टैक्स चोरी की आशंका, 2 दिन पहले भी की गई थी कार्यवाही। मऊ में स्वास्थ्य विभाग ने 4 कमरों का तोड़वाया ताला, 4 माह बाद मिला चीफ फार्मासिस्ट को दवाइयों का चार्ज। गाजियाबाद में मेरठ के युवक की हत्या, गला दबाकर मारने के बाद गंगनहर मार्ग पर जलाया शव। कासगंज में जीएसटी की 5 टीमों ने की छापेमारी, व्यापारी दुकान बंद कर भागे, असिस्टेंट कमिश्नर बोले सहयोग करें। मोर को बंधक बनाने वाला सट्टा किंग गिरफ्तार, मेरठ में सट्टेबाज के घर दबिश देने गई पुलिस, मिला था राष्ट्रीय पक्षी मोर। बिकरू कांड का एक और आरोपी अरेस्ट, गिरफ्तार शातिन मोहन ने ही एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की को कटवाई थी फरारी। हरदोई में पूर्व विधायक समेत 7 गैंगरेप के दोषी, अदालत के 7 साल श्रम कारावास की सुनाई सजा, 16 साल बाद आया फैसला। पदयात्रा के जरिए जनता के बीच पहुंच रही है सपा, सपा के लोग पूरे प्रदेश में निकालें देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा। सुल्तानपुर में हिस्ट्री शीटर से परेशान छात्र पहुंचा डीएम के पास, बोला 20 मुकदमे में वांछित अपराधी, करियर चौपट करने की दे रहा है धमकी।
में डिंपल यादव की ऐतिहासिक जीत दर्ज, जसवंत नगर में सबसे ज्यादा वोट मिले। झांसी में 13 स्थानों पर बनेंगे स्मार्ट पार्किंग, ऐप से पता चलेगा पार्किंग में जगह खाली है, यानी बेंगलोर की कंपनी से हुआ करार। अमेठी तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिल की टक्कर, टक्कर में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग हुए घायल। लखनऊ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 1000 का इनामी एस खान को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में पति की हर बात में ओके ओके से परेशान बीवी, डांस कर बोली मेरे हैंसम। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार सख्त, अपना नाम नहीं लिख पाए जूनियर हाई स्कूल के छात्र, रोका जाएगा। उत्तराखंड में मदरसे के बाहर मौलाना ने छात्र पिता पर किया धारदार हथियार से वार, अन्य छात्रों ने कहा इसे जान से मार दो। पहली बार उत्तराखंड के देहरादून पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 2000 करोड़ की देंगे सौगात। देश के पहले गांव में मंथन करेगी उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट जल्द तय की जाएगी तारीख और जगह। उत्तराखंड में जबरन बंतात्रण के पुराने मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही बड़ी बात, बताया होगी कार्यवाही। पेपर लीक प्रकरण में सरगना हाकम सिंह की जमानत खारिज, बचाव पक्ष की दलील एसटीएफ ने छूटे केस में फंसाया। दुबई से पिथौरागढ़ आ रहे यात्री को झेलनी पड़ी टैक्सी संचालक की मनमानी, 12 की जगह 24 घंटे में पहुंचाया घर। उत्तराखंड में स्पा सेंटर में चल रहा था जिस्म फरोशी का धंधा, 5 गिरफ्तार, रिसेप्शनिस्ट ने बताया फिर काला सच। उत्तराखंड में सुम अनव का कातिल आदमखोर गुलदार, शूटर की गोली से ढेर ग्रामीणों का गुस्सा हुआ शांत। उत्तराखंड में जल्द खुलेगा नए का क्षेत्रीय कार्यालय, सीएम ने 3 संस्थानों के साथ समझौता पत्र पर किए हस्ताक्षर। उत्तराखंड पीसीबी में प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़े 1724 उद्योगों के एनओसी रद्द, लाखों कर्मचारियों की नौकरी पर संकट। एमसीडी में आपकी जीत, उत्तराखंड में जश्न मना, आतिशबाजी का ढोल नगाड़ों पर थिरके कार्यकर्ता। उत्तराखंड में 24 दिसंबर को वीवी और कॉलेजों में एक साथ होंगे छात्र संघ चुनाव, कुलपतियों की बैठक में हुआ निर्णय। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोदियाल ने प्रदेश सरकार को घेरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। उत्तराखंड के हरिद्वार में ढाबे में गैस सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी, कर्मी के बड़ी लगाने चलाने से हुआ हादसा, 4 घायल। तालिबान ने दी सरेआम मौत सजा, असॉल्ट राइफल से चलाई गोलियां, स्टेडियम में दिखने पहुंचे जुटे मंत्री और मिलिट्री के अफसर।
वेस्ट बैंक हमले में इसराइली सेना के 3 फिलिस्तीनियों को मार गिराया, सैन्य चौकी पर किया था हमला। अमेरिका में भारतवंशी रमेश बलवानी को 13 साल की जेल, पूर्व प्रेमिका एलिजाबेथ होम्स को भी सजा मिली है। पेरू में उलटफेर, उपराष्ट्रपति डीना बनी और राष्ट्रपति क्रेसिलो महाभियोग चलाकर हटाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के मामले में 6 साल की जेल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन ने ईरान के महिलाओं को हीरो ऑफ द ईयर घोषित किया। जर्मनी में तख्ता पलट की साजिश नाकाम, प्रतिबंधित रिचबर्गर ने 25 आतंकी पकड़े, इनमें से 72 साल का पूर्व फौजी और सांसद शामिल। ईरान में स्टूडेंट के खिलाफ साजिश, सरकार विरोधी प्रदर्शन, 24 घंटे पहले 1200 छात्र बीमार, पानी में जहर मिलाने का आरोप। चीन में प्रदर्शनों के बाद कोविड प्रतिबंधों में ढील को लोगों को कोरोना फैलने का डर, मेडिकल स्टोर्स पर दवाई खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी। अमेरिका बोला भारत में सभी धर्मों को आजादी, वहां मानवाधिकारों का सम्मान, चीन और पाकिस्तान में हालत इसके उलट। अश्नीट ग्रोवर की पत्नी पर 420 का केस, भारत पे ने 80 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, कंपनी से पहले ही निकाला जा चुका है। अर्नोल्ड कुछ देर के लिए बने दुनिया के सबसे अमीर, मॉस्क को पछाड़कर टॉप पर पहुंचे, शेयरों में गिरावट के बाद दोबारा लुढ़के। जियो ने लॉन्च किया किफायती डेटा प्लान, 222 रुपए में एक महीने के लिए मिलेगा 50 GB डेटा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, बोले दुनिया के मुकाबले में भारत में घट रही महंगाई, फिर भी ढील की कोई गुंजाइश नहीं। एलन मस्क के नेटवर्क में भारी गिरावट, अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे पायदान पर खिसक गए। जोमैटो के बाद स्विगी में भी छटनी संभव, दिसंबर में 250 कर्मचारियों को किया जा सकता है बाहर। दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में सीतारमण सहित 6 भारतीय शामिल। मारुति के बाद अब टाटा की कारें भी होंगी महंगी, कंपनी जनवरी 2023 से अपने सभी कार मॉडल्स की प्राइस बढ़ाने का प्लान बना रही है। कर्ज के जाल में बुरा फंसा पाकिस्तान, एक साल में चुकाने होंगे 2 लाख करोड़ रुपए की मित्र मंत्री, बोले आईएमएफ के सामने नहीं गिड़गिड़ाएंगे। मारुति सुजुकी नवंबर 2022 सेल्स कंपनी ने नवंबर महीने में करीब 1.60 लाख गाड़ियां बेची, सेल्स 14% का उछाल। टेस्ट से चोटिल, रोहित की जगह ले सकते ईश्वरन, बांग्लादेश के खिलाफ दोनों अनऑफिशियल स्टेट में शतक जमाए। वनडे में जमकर बोल रहा है श्रेयस अय्यर का बल्ला, इस साल बनाया है सबसे ज्यादा रन।
खबरें। सहवाग ने भारत के प्रदर्शन पर जताई चिंता, कहा क्रिप्टो से भी तेज गिर रही है परफॉर्मेंस। घर पर जीत के मामले में बड़ी बड़ी टीमों से बहुत आगे है बांग्लादेश, भारत का रिकॉर्ड चिंताजनक। खिलाड़ियों के चोटिल होने पर रोहित शर्मा ने निकाली भड़ास, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पर उठाए सवाल। डेब्यू के बाद सबसे खराब वनडे फॉर्म में विराट, मेहदी हसन की रिकॉर्ड सेंचुरी, अय्यर ने बने 2022 के टॉप ओडीआई स्कोरर। वर्ल्ड कप के लिए द्रविड़ ने बताया मास्टर प्लान, बोले जनवरी से फुल स्ट्रेंथ की वनडे टीम वर्ल्ड कप तक आएगी नजर। लाबुशेन बने नंबर वन टेस्ट बल्लेबाज, जो रूट नंबर चार पर खिसके, ऋषभ पंत सबसे ऊंची रैंकिंग वाले भारतीय। इंडिया की मुश्किल बड़ी टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं कप्तान रोहित शर्मा, मुंबई वापस लौटे। बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज में मिली हार, बीसीसीआई ने दौरे के बाद बुलाई समीक्षा बैठक। श्रेयस सरन ने ऑटो पर लटक कर दिया पोज, यूजर्स ने किया ट्रोल, बोले रिक्शा है लोकल ट्रेन नहीं। नहीं रहे केजीएफ के फेम कृष्णाजी राव, 70 साल की उम्र में हुआ निधन, बेंगलुरु के हॉस्पिटल में मिली अंतिम सांस। सारा अली खान ने किया सुशांत सिंह राजपूत को याद, शेयर की केदारनाथ की बीटीएस फोटोज, लिखा मैं अगस्त 2017 में वापस जाना चाहती हूँ। सलाम बेगी की स्क्रीनिंग में पहुंचे आमिर खान, सफेद बाल दाढ़ी में आए नजर, नए लुक से सबको किया हैरान। भाग्यश्री ने शेयर किया डांस वीडियो, शिबा के साथ दिल ये पुकारे आजा गाने पर किया बेहतरीन डांस। अरब में एआर रहमान का बिखेरा संगीत का जादू, रेड सी फेस्टिवल में दी स्पेशल परफॉर्मेंस, आधी रात तक फैंस ने सुना कॉन्सर्ट। व्हाइट आउटफिट भी नजर आई नोरा फतेही, दिखी बेहद स्टाइलिश, फैंस के साथ क्लिक करवाई सेल्फी। येलो सूट में नजर आई श्रद्धा कपूर, असलान गोनी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी सुजैन खान, अनुपम खेर भी स्पॉट किए गए। नहीं हुआ हीरा खान का ब्रेकअप, नए प्रोजेक्ट षड्यंत्र के अनाउंसमेंट में कहा मैं फंसी हूं झूठ और फरेब के जाल में। अनुराग बसु ने की फिल्म मेट्रो के अनाउंसमेंट, फिल्म में एक साथ नजर आएंगे सारा, आदित्य राय कपूर। शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।